हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं आप ही का अपना प्यारे विद पीसी यूट्यूब चैनल और मैं आपका साथी आपका दोस्त प्रीतम। प्यारे दोस्तों, चिरायु आयुष्मान कार्ड से संबंधित बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि दोस्तों अगर अभी तक आपका फ्री वाला आयुष्मान कार्ड नहीं बना है तो आप उसे अब कैसे रिक्वेस्ट डालकर बनवा सकते हैं, उससे संबंधित दोस्तों ऑप्शन एक्टिवेट हो गया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जो दो ऑप्शन एक्टिवेट हुए हैं, दो लिंक एक्टिवेट हुए हैं, उनसे संबंधित देते हैं आपको संपूर्ण जानकारी। इसके लिए दोस्तों आपको गूगल क्रोम या किसी भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है। इसके सर्च बार में यहां पर आपको लिखना है पीपीपी ग्रीवेंस एडिशा और आपको इसे सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करते हैं आपके सामने जो पहली ही वेबसाइट आ रही है grievance.edisa.gov.in, इसी वेबसाइट के लिंक पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आप परिवार पहचान पत्र के शिकायत पोर्टल पर आ जाएंगे। अब दोस्तों आपको 3 डॉट पर जाना है और इसे डेस्कटॉप साइट में ओपन कर लेना है, ताकि जो विंडो है वो आपको कंप्यूटर और लैपटॉप जैसी दिखने लगे और आपको इसे यूज करने में आसानी हो। अब दोस्तों आपको क्लिक हियर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने यहां पर दो ऑप्शन होंगे, पीपीपी आईडी और आधार नंबर। जिस भी माध्यम से आप सर्च करना चाहते हैं उस माध्यम से कर सकते हैं। दोस्तों पीपीपी आईडी मतलब आपका परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी, उसका नंबर यहां पर आपको लिख देना है और गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पर आपके सामने ओटीपी फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों यह ओटीपी उस नंबर पर जाएगा जो आपकी फैमिली आईडी से जुड़ा हुआ है। आपके पास एक 4 अक्षरों का ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको फिल कर देना है और आपको वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ पर आपकी जो फैमिली आईडी की डिटेल हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी, आपका फैमिली आईडी नंबर यानी परिवार पहचान पत्र संख्या। इसके अलावा दोस्तों आपकी फैमिली आईडी में मुखिया कौन है उसका नाम यहाँ पर आपको दिखाई देगा। इसके अलावा दोस्तों आपका जो पता है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, एड ग्रीवेंस व्यू ग्रीवेंस। अब दोस्तों आपको एड ग्रीवेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहां पर आपके सामने आपको दो ऑप्शन यहां पर देखने को मिल जाएंगे। अब दोस्तों यहां पर आपको नेम ऑफ द सर्विस सेवा का चयन करें, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं आपके सामने आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, चिरायु आयुष्मान भारत फ्री और चिरायु आयुष्मान भारत नॉमिनल कंट्रीब्यूशन। यानी कि दोस्तों यह जो ऑप्शन है अब इसके अंदर जोड़ दिए गए हैं। पहले इसके अंदर आयुष्मान कार्ड का ऑप्शन था और दोस्तों उसके माध्यम से आप रिक्वेस्ट लगा सकते थे, लेकिन दोस्तों अब डिपार्टमेंट ने दो प्रकार के जो आयुष्मान कार्ड हरियाणा सरकार बना रही है, पहला जो आयुष्मान कार्ड है वो फ्री बनता है, ये उसका बनता है जिसकी फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 तक या उससे कम वेरीफाई है। दोस्तों यह जो आयुष्मान कार्ड है वो ऑटोमेटिक बनता है, बिल्कुल फ्री बनता है। लेकिन दोस्तों यह जो आयुष्मान कार्ड है चिरायु आयुष्मान भारत नॉमिनल कंट्रीब्यूशन वाला जो आपका आयुष्मान कार्ड है, यानी इसमें आपको 1,500 रुपए की फीस देनी होती है, 1,500 रुपए जमा करने होते हैं, उसके बाद ही 1 साल के लिए आपका जो आयुष्मान कार्ड है वो हरियाणा सरकार बनाती है। इसमें दोस्तों आपको 1,500 रुपए देने होते हैं और ये जो आयुष्मान कार्ड है वो बिल्कुल फ्री बन जाता है। तो चलिए दोस्तों अब इस ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं, पहले फ्री वाले ऑप्शन पर ही क्लिक करते हैं। दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करेंगे अब आपको ग्रीवेंस टाइप शिकायत का चयन करें पर आपको क्लिक करना है। अगर आपके आयुष्मान कार्ड में कोई ऐसा मेंबर है जो जुड़ा हुआ नहीं है, अगर आप उसे जोड़ना चाहते हैं तो आपको ऐड पर क्लिक करना है। अगर आप एक्सक्लूजन चैलेंज को देखना चाहते हैं कि आपकी फैमिली आईडी में कितनी इनकम वेरीफाई है, कोई एक्सक्लूजन आपकी फैमिली आईडी में जुड़ा हुआ है नहीं, वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपकी फैमिली आईडी में इनकम गलत है तो इस ऑप्शन के माध्यम से आप रिक्वेस्ट डाल सकें। इसके
अलावा दोस्तों चलिए दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और दोस्तों ग्रीवेंस टाइप पर क्लिक कर देते हैं। इसमें भी दोस्तों वही है, अगर आपका कोई मेंबर छूट गया है तो आप उसे ऐड कर सकते हैं, अगर आपकी इनकम गलत है तो आप ठीक करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें एक तीसरा ऑप्शन है माई रिफंड नोट रिसीव, यानी कि अगर आपने पेमेंट की थी आपके जो पैसे हैं वो वापस आपके खाते में रिफंड नहीं हुए हैं, पेमेंट फेल हो गई लेकिन आपके पैसे नहीं आए, तो आपके जो पैसे हैं वो अगर अभी तक आपके खाते में नहीं आए हैं तो इस ऑप्शन के माध्यम से आप रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। तो दोस्तों यह जो दो ऑप्शन है वो नए जोड़ दिए गए हैं आयुष्मान कार्ड से संबंधित, और दोस्तों इन ऑप्शनों के बारे में मैं आपको हो सकेगा तो जल्द से जल्द वीडियो भी बना दूंगा, कंप्लीट जो इंफॉर्मेशन है उस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी कि इस ऑप्शन का आपको कब यूज करना है। लेकिन दोस्तों अगर आपकी फैमिली एडमिन इनकम 1,80,000 तक वेरीफाई है या उससे कम वेरीफाई है और अगर आप अपना आयुष्मान कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी इनकम फैमिली आईडी में 1,80,000 तक वेरीफाई है और कोई भी एक्सक्लूजन आपकी फैमिली आईडी में जुड़ा हुआ नहीं है, आपका राशन कार्ड स्टेटस आपको एलिजिबल दिख रहा है तो आप निश्चिंत हो जाएं। कुछ दिन में जब हरियाणा सरकार लिस्ट जारी करेगी उस समय आपका नाम लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा। और अगर आपकी फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 से 2,50,000 वेरीफाई है और सच्चाई में भी अगर आपकी इनकम इतनी ही है तो दोस्तों आपको अपना आयुष्मान कार्ड कैसे अप्लाई करना है उससे संबंधित मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिस वीडियो की मदद से आप 1,500 रुपए में अपना आयुष्मान कार्ड अप्लाई कर पाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में आपको यही जानकारी देनी थी कि चिरायु आयुष्मान कार्ड से संबंधित परिवार पहचान पत्र के शिकायत पोर्टल के अंदर दो नए ऑप्शन जोड़ दिए गए हैं, उनके बारे में ही दोस्तों आपको जानकारी देनी थी। और दोस्तों परिवार पहचान पत्र का जो शिकायत पोर्टल है इस वेबसाइट का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस लिंक पर क्लिक करके आप सीधे इस वेबसाइट पर आ जाएंगे और आपको इस वेबसाइट पर आने में कोई दिक्कत नहीं होगी, समस्या नहीं होगी। तो धन्यवाद दोस्तों, यही जानकारी आपको देनी थी कि परिवार पहचान पत्र का जो शिकायत पोर्टल है उस पर दोस्तों दो ऑप्शन नए आ चुके हैं आयुष्मान कार्ड से संबंधित, और उन ऑप्शनों के माध्यम से आप आयुष्मान कार्ड से संबंधित ग्रीवेंस डाल सकते हैं, शिकायत लगा सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगी हो तो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूं, आगे से आपको और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लेना ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका मैसेज या नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और कोई भी नई और अच्छी जानकारी आपसे मिस न हो। धन्यवाद दोस्तों, जय जय भारत, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।